लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के मुद्दे पर बीजेपी से रास्ते अलग होने के बाद से शिवसेना नेता संजय राउत का तीखा प्रहार जारी है। इस बार उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपना निशाना बनाया है। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास और दिल्ली पर निर्भरता ने फडणवीस की राजनीति खत्म कर दी। राउत ने लिखा, अति आत्मविश्वास और उनका दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं पर भरोसे ने उनकी राजनीति तबाह कर दी। पिछले महीने की गतिविधियां सिंहासन फिल्म की नई पटकथा जैसी लगती है। राउत ने जिस सिंहासन का उदाहरण दिया है वो साल 1979 में आई एक मराठी फिल्म है। ये दिवंगत लेखक अरुण संधू के उपन्यास सिंहासन और मुंबई दिनांक पर आधारित है। वहीं राउत ने अपने लेख में चुनाव से पहले विपक्ष को लेकर दिए बयान के हवाले से भी फडणवीस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अपनी इन्हीं बचकानी टिप्पणियों की वजह से वो यानी कि फडणवीस खुद विपक्षी नेता बन गए। फडणवीस ने कहा था कि वो वापस लौटेंगे, लेकिन उनकी सत्ता हासिल करने की जल्दबाजी और बचकानी टिप्पणियां प्रदेश में बीजेपी को ले डूबी और वो खुद विपक्ष बन गए। इसी के साथ ही राउत ने लेख में एनसीपी चीफ शरद पवार की तारीफ की और कहा, मुझे ये देखकर मजा आ रहा है कि जो लोग अजीत पवार के फडणवीस के साथ गठजोड़ को शरद पवार की ही साजिश बता रहे थे, वो अब महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद एनसीपी प्रमुख के आगे नतमस्तक बन रहे हैं, यानी कि नतमस्तक हो रहे हैं। राउत ने दावा किया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ आने से महाराष्ट्र में जो हुआ वो देश को भी स्वीकार है। SPN 9 न्यूज़ रूम से श्रुति की रिपोर्ट।